तो हेलो दोस्तों, आज का वीडियो होने वाला है काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग, क्योंकि आज के वीडियो में मैं आप सब लोगों के साथ एक गेम शेयर करने वाला हूँ और ये गेम दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो चलिए आपका मैंने समय लेते हुए आज वीडियो को कंटिन्यू रखते हैं, और अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एट फर्स्ट आप हमारे इस वीडियो को बिना स्किप करके पूरा का पूरा देख लीजिएगा, फिर आप डिसाइड करना कि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे या नहीं। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो व्हाइट पीस के साथ खेल रहे अलेक्जेंडर शवालोव और उनके ओपोनेंट है केट आर्केल, और ये मैच दोस्तों खेला गया था 15th लुइस बैंक मास्टर ओपन टूर्नामेंट में, जो कि लंदन में हुआ था 1991 में, और दोस्तों ये राउंड 7 का गेम है। तो चलिए आपका मेरे समय लेते हुए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो अलेक्जेंडर शवालोव ने ओपन किया विद द मूव e4, उसके बाद दोस्तों ब्लैक ने रिप्लाई दिया विद c6 कैरो कैन डिफेंस, उसके बाद d4 d5 उसके बाद e5 हम लोग आ चुके हैं दोस्तों कैरो कैन डिफेंस के एडवांस वेरिएशन में। उसके बाद दिया गया था c5, उसके बाद डी कैप्चर्स ऑन c5 और Nc6, उसके बाद Bb5 और दोस्तों ये Bb5 मूव के बाद ब्लैक ने दिया था Qe5 चेक, लेकिन दोस्तों ये बेस्ट मूव नहीं है। यहाँ पर बेस्ट मूव जो है वो है e6, और e6 के बाद दोस्तों यहाँ पर अगर Bb3 अगर आता है तो Nc7, और दोस्तों ये गेम चलता रहता, लेकिन हमारे गेम में दोस्तों ये सब मूव नहीं खेला गया था। तो चलिए देखते हैं कि हमारे गेम में क्या खेला गया था। लेकिन हमारे गेम में दोस्तों खेला गया था यहाँ पर से Qe5, उसके बाद Nc3, उसके बाद e6, उसके बाद Bb3, उसके बाद Nc7, उसके बाद Nf6, उसके बाद Nf5, उसके बाद a3, नाइट कैप्चर्स ऑन e3, उसके बाद पॉन कैप्चर्स ऑन e3, उसके बाद Qe7, उसके बाद e4, उसके बाद डी कैप्चर्स ऑन e4, नाइट कैप्चर्स ऑन e4, उसके बाद Bc5, उसके बाद नाइट कैप्चर्स ऑन c5, उसके बाद Qe5, उसके बाद दिया गया था b4, उसके बाद क्वीन कैप्चर्स ऑन b5, वो सैक्रिफाइस पीस को उन्होंने वापस ले लिया। उसके बाद दिया गया था d6, और क्वीन टू d6 मूव दोस्तों काफ़ी ज़्यादा अच्छा मूव है, क्योंकि अभी देख अगर आप ध्यान से देखें तो ब्लैक का किंग कहीं पर भी नहीं मूव कर सकता है और कैसल भी नहीं कर सकता है। तो चलिए देखते हैं कि आगे क्या खेला गया था। उसके बाद दिया गया था a5, उसके बाद किंग टू f2, उसके बाद नाइट टू e7, रुक टू d1, नाइट टू d5, उसके बाद c4, दोस्तों ब्लैक वाइट ने इस पॉन को दोस्तों सैक्रिफाइस कर दिया। उसके बाद क्वीन कैप्चर्स ऑन c4, उसके बाद रुक टू c1, उसके बाद क्वीन टू a2, उसके बाद किंग टू g2 और a कैप्चर्स ऑन b4। और दोस्तों आप एक बार इस पोजीशन पे इस वीडियो को पॉज कीजिए और सोचिए कि इस पोजीशन पे वाइट के लिए बेस्ट मूव क्या है। तो रेडी इस पोजीशन पे दोस्तों वाइट ने दिया था नाइट टू a6, या दोस्तों इस पोजीशन पे उन्होंने अपने नाइट को सैक्रिफाइस कर दिया, और इस सैक्रिफाइस का दोस्तों मैं प्लानिंग में आपको समझाता हूँ। इसके बाद दोस्तों दिया गया था b कैप्चर्स ऑन a6, उसके बाद रुक टू c7 के बाद ब्लैक ने रिजाइन दे दिया, और एक कमाल का दोस्तों विक्ट्री रहा शवालोव के लिए। तो इस पोजीशन पे दोस्तों रिजाइन क्यों दिए थे, क्योंकि वैसे तो जो सबसे पहला वाला थ्रेट है वो है रुक टू e7, और उसके बाद अगर नाइट कैप्चर्स ऑन e7 अगर आता है तो फॉलोड बाय क्वीन d8 चेकमेट, तो ये तो एक लाइन था। और वैसे भी दोस्तों यहाँ पर और कुछ भी नहीं आप खेल सकते हो। तो यप, तो आज के लिए इतना ही था दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो हमारे इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट भी एक ड्रॉप करना। लेकिन दोस्तों जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है सब्सक्राइब कर देना हमारे इस यूट्यूब चैनल को, जिससे हमारे हर वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो मैं था चेस्टर, जय हिंद, वंदे मातरम।